ओमेगा ने फिर बनाया मेडिकल नीट यूसी के रिजल्ट में कीर्तिमान, संपूर्ण मिथिला के लिए गौरव का क्षण। नीट 2023 का रिजल्ट मंगलवार देर शाम जारी किया गया। रिजल्ट आने के बाद ही मिथिलांचल के लोग ओमेगा स्टडी सेंटर के रिजल्ट को जानने को उत्सुक थे। बना ओमेगा के बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ संस्था ने मिथिला का मान बढ़ाया अभी तो एक कीर्तिमान बनाया। आपको बताते चले कि दरभंगा मिर्जापुर स्थित मेडिकल एवं IIT के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर लगातार 9वें वर्ष नीट UC मेडिकल में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देकर अपने श्रेष्ठता का परचम फिर से लहराया। ओमेगा स्टडी सेंटर के 14 से अधिक बच्चों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त कर बेहतर रैंक के साथ सफलता हासिल किया, जबकि 550 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 54 से अधिक है। जहां तक ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो संस्थान ने अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ रैंक किया है, जो उत्तर बिहार का सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों ने लगातार कोशिश किया था और टीचर का सपोर्ट था बच्चों के साथ, और ऐसा पहले से अनुमानित किया गया था लास्ट ईयर के रिजल्ट के बाद कि नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा रैंक बच्चों लाएंगे, तो बच्चों ने उसको प्रूव किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है फैकल्टी टीम का होता है, तो यहाँ पे आकर के दूर से आते हैं दरभंगा में आकर बच्चे, यहाँ जो हमारे यहाँ जो बच्चे आए हैं हमारे ऐसी केयर है हमारे यहाँ, जिसके कारण हमारे यहाँ साधारण बच्चे भी असाधारण रिजल्ट लेके जा रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे को MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। असाधारण रिजल्ट साधारण बच्चों के द्वारा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग लेबर करवाने पे, बच्चों को वर्क करवाने पे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और हमने पार्टिकुलरली 7 से 8 स्टेट्स में जा के क्लास लिया है आज तक। लेकिन मैंने देखा है मिथिला में पढ़ने का माहौल एक बहुत खूबसूरत बन चुका है ओमेगा में, और अभी तो हम थोड़े महसूस हो रहा है। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स, ओमेगा परिवार को और सारे टीचर्स को। कैसा आप फील कैसा कर रहे हैं? काफ़ी खुशी लग रहा है, काफ़ी प्रफुल्लित फील कर रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड हम। कहाँ पढ़ाई की इसने और कैसे ये कामयाब? दरभंगा में बड़ी इस धरती पे यही ओमेगा से। सबसे पहले तो ईश्वर को बहुत बहुत शुभकामना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही आप सभी का सहयोग, हमारे शिक्षक गणों का जो एक्सपर्टीज है और डे नाइट का जो वर्क है, और स्पेशली अगेन सुमित सर का जो डे नाइट का वर्क है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, हमारे मैनेजमेंट टीम के सभी लोग, बच्चों का जो हार्ड वर्क है ना, वो सर ये आज एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट बनने में सालों लगते हैं। तो प्रतिदिन जो दिन रात का मेहनत होता है बच्चों का, अभिभावक का सहयोग है, और स्पेशली हमारे जो भी टीचर्स हैं, हमारे शशि सर हैं, RK जी सर हैं, RKY सर हैं, RK सर हैं, NKS सर हैं, DKS सर हैं, ऐसे सारे टीचर, विनायक सर हैं, उन लोगों के साथ एक फ्रेंडली माहौल में सुमित सर ने जो एक टीम बनाया है और एक बेटर इंफ्रा के साथ जो हम लोगों ने काम किया है, महसूस कर रहा है। और प्रदेश जो है IIT दिल्ली में है और ओमेगा से ही निकाला है, यहीं रह करके निकाला है, और साक्षी जो है अभी नीट क्वालिफाई की है, बहुत अच्छा नंबर लाई है, और ओमेगा को देंगी क्रेडिट। ओमेगा परिवार का सबसे बड़ा क्रेडिट है सर, हमारे सुमन सर, सुमित सर, शशि सर, रूपेश सर, आरके रोशन सर, RKY सर, निशिकांत सर, SP सर, धनंजय सर, सब ने बहुत मदद की हमारे पढ़ाई में, हर तरीके के डाउट को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद की है, मॉरल सपोर्ट बहुत दिया है हमें, हर जब भी हम लोग फ्रस्ट्रेट होते थे बहुत मॉरल सपोर्ट था। पूरे ओमेगा परिवार को, अपने माता पिता को, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित सर को, डायरेक्टर सर को, बायो के फैकल्टी शशि सर को, रोशन सर को, RK सर को, DKS सर को, निशिकांत सर को, सभी टीचर्स को, पूरे ओमेगा फैमिली को, सभी को देना चाहूँगी, उनका बहुत सारा सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छा फील कर रहा है। शुरू से कैसी रही है पढ़ने में ये? शुरू से ही अच्छी रही है, हमने 11वीं से यहाँ डाला और लगभग 3-4 साल के रीजन में इसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया, और इस ओमेगा परिवार को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से रहते हुए, एक छोटे शहर में रहते हुए, इतनी जल्दी में बहुत खुशी महसूस कर रहा है, और हमने बहुत भरोसा के साथ ओमेगा में रखा बेटी को, आज उसको सफलता मिली है, बहुत खुशी हुई। मेरा क्रेडिट मेरे सबसे पहले तो सारे टीचर्स को जाते हैं, उसके बाद डायरेक्टर को जाते हैं, सुमित सर को जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे पेरेंट्स को जाते हैं। उन्होंने 11th से लेकर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करके रखा, हर चीज़ जो भी चीज़ की जरूरत थी सारी प्रोवाइड की। उसके बाद 11th से ओमेगा ज्वाइन किया, नीट तक पूरा प्रिपरेशन किया, तो सारा कुछ फैकल्टी एक टाइम लाइक सब कुछ ओमेगा रिमोट जो
बच्चे मोबाइल से आज बहुत नज़दीक हैं, तो मोबाइल से दूरी होनी चाहिए कामयाबी के लिए या नज़दीक या फिर सही इस्तेमाल? मोबाइल आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मोबाइल बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट रोल मेरा है, क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम सारा ऑनलाइन क्लासेस हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।